दोस्तों स्वागत है आपका रेल अपडेट के एक और फ्रेश एपिसोड में। उम्मीद है आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। लेकिन दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं द रेल पॉइंट यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरीके से जो डेली वीडियोज है वो मिलती रहती हैं। अब बात कर लेते हैं आज की सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि आती है कुछ ट्रेन के एडिशनल स्टॉप को लेकर। आपको जो ऑलरेडी ट्रेनें चल रही, जैसे गोदावरी एक्सप्रेस ट्रेन, कोणार्क एक्सप्रेस ट्रेन, फलकनुमा एक्सप्रेस ट्रेन और भी दो तीन ट्रेनें हैं, तो सबकी जो जानकारी वो मैंने लिख दिया डिस्क्रिप्शन में। तो थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार जो अभी आने वाला है, तो थर्सडे से आपको इनके जो एडिशनल स्टॉप है वो देखने को मिल जाएंगे, जिससे आपको जो फायदा है वो मिल जाएगा। तो आप ये जो जानकारी है वो देख सकते हैं, हो सकता है आपको जो फायदा है वो मिले। मे बी इसमें से कोई भी आपका एक ऐसा स्टेशन हो जो जिससे आप बिलोंग करते हो और बाद में आप इस ट्रेन का जो फायदा है वो उठा पाएं। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती एक नई टेक्नोलॉजी को लेकर। मुरादाबाद डिवीजन के जो तीन इंजीनियर्स हैं वो इस समय फिलहाल एक नई टेक्नोलॉजी जो कि स्काडा नाम दिया है उस पर वर्क कर रहे हैं। अब ये जो टेक्नोलॉजी है इसका ये फायदा रहने वाला है, जो OHE के फॉल्ट वगैरह हैं वो बहुत ईजिली डिटेक्ट कर पाएगा, और जब OHE में फॉल्ट होता है तो तुरंत ही जो शटडाउन वगैरह दिया जाता है वो तुरंत ही ऑटोमेटिकली हो जाएगा, जिसके चलते कोई भी जो परेशानी वगैरह वो नहीं आएंगी। फिलहाल ये जो सारा सिस्टम तैयार किया जा रहा है अभी ये एकदम पहले चरण में है। अभी इस पर कुछ भी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है आगे वाले जो आते हैं कि भी हाँ इसे अप्रूव कर देगा, ये कर देगा, वो नहीं हुआ है। अभी स्टार्टिंग स्टेज है, अगर ये सब कुछ अच्छा रहता है तो जल्दी इसके और जो निरीक्षण वगैरह वो किए जाएंगे और उसके बाद में इसको अप्रूव किया जाएगा। स्काडा को जो नाम दिया गया है वो इसलिए दिया गया है क्योंकि इसका मतलब फुल फॉर्म जो बताई गई है वो सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन बताई गई है। तो ये जो काम है चल रहा है फिलहाल, इसे नजीबाबाद और कोटद्वार वाला जो सेक्शन है, यहाँ पर जो तीन रेलवे स्टेशन है उस पर इसको इंप्लीमेंट किया गया है। और अगर ये बिल्कुल सक्सेसफुल रहता है तो रेलवेज को काफ़ी ज़्यादा जो कम कॉस्ट है वो आएगी, क्योंकि अभी तक ये सब कुछ मेंटेन करने के लिए रेलवेज को ज़्यादा खर्चा आता है, इसके बाद में कम खर्चा आने वाला है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते आती है रनिंग रूम से लेकर। रनिंग रूम जहाँ पर जो लोको पायलट होते हैं और जो गार्ड होते हैं वो आराम करते हैं, तो यहाँ पर हो सकता है उनको जो कंबल वगैरह वो नहीं दिया जाए, मतलब जो बेड रोल है वो शायद इनको भी नहीं मिलने वाला है। जिस तरीके से ट्रेनों में बेड रोल देना बंद कर दिया है कोरोना वायरस की वजह से, तो कुछ उसी के चलते यहाँ पर भी हो सकता है जो कंबल वगैरह वो नहीं दिया जाए, तो मे बी ये पॉसिबल है। अब देखते हैं क्या होता है, जो भी कन्फर्म न्यूज़ होगी वो मैं आपको आने वाले समय में बता ही दूंगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती कटरा और बनिहाल वाले सेक्शन को ही लेकर। यहाँ पर एक टनल का काम चल रहा था पिछले 10 सालों से, बट उसको अभी कल के दिन ही इसको कंप्लीट कर लिया गया है। फिलहाल ये जो टनल है 8.6 किलोमीटर लंबी है, और ये जो टनल है वो छंद गलधार या फिर चन गलधार कुछ भी इसमें से एक नाम हो सकता है, और ये खाड़ी के बीच में बनाई जा रही थी। तो फिलहाल ये जो टनल है वो बनकर तैयार हो चुकी है। हालांकि टनल के अंदर का जो काम है वो रह गया है, यानी कि जो खुदाई होती है वो खुदाई पूरी हो चुकी है, तो काफी ज्यादा लंबी टनल है। अब देखते हैं इस टनल का अंदर का काम तक कब तक पूरा होगा। और आप जानते हैं सेक्शन चाइना ब्रिज भी बन रहा है, उस पर भी जो काम है वो चल रहा है। अगर सब कुछ सही रहता है तो 15 दिसंबर 2022 तक ये देखने को मिल जाएगा, बट देखते हैं हमें क्या देखने को इन रियल देखने को मिलेगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन से लेकर। गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन को मॉडिफाई किया जा रहा है, जिसके चलते यहाँ पर जो यात्री हैं वो ठीक ठाक तरीके से ट्रैवल कर पाए, क्योंकि कुछ ट्रेनों को कानपुर सेंट्रल से इस पर शिफ्ट करने की बात चल रही है। तो फिलहाल उसी के चलते गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन पर जो कोच इंडिकेटर डिस्प्ले हैं वो लगा दी गई हैं, जिस पर कराता है कि S1 आने वाला है, B1 आने वाला है, वो जो चीज़ है वो लगा दी गई है। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। देखते हैं कौन सी ट्रेनें हैं जो कानपुर सेंट्रल से यहाँ पर पहुँचेंगी और आपको यहाँ से देखने को मिलेंगी। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती है भोपाल और इंदौर के बीच में चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर। बेसिकली ये जो ट्रेन है ये चलती है भोपाल और डॉक्टर अम्बेडकर नगर तक। तो ये जो ट्रेन है आपको 7 अक्टूबर से देखने को मिल जाएगी। तो फाइनली इस ट्रेन को भी 7 अक्टूबर से चलाया जा रहा है, आप इसकी जो बुकिंग है वो कर सकते हैं। ये जो इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, काफ़ी ज़्यादा लोग इसका यूज़ करते हैं, तो आपको जो इसका टिकट है वो आप बुक करा सकते हैं, आपको जो इसकी सुविधा है वो फिर से मिलने वाली है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती कोलकाता मेट्रो से लेकर। कोलकाता मेट्रो का जो फूल बगान रेलवे स्टेशन है उसको कल हमारे जो रेल मिनिस्टर है उनके द्वारा इनॉग्रेट कर दिया गया है। तो आपको अभी जो मेट्रो स्टेशन है यानी कि यहाँ तक की जो मेट्रो कनेक्टिविटी है वो कोलकाता मेट्रो में देखने को मिल जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात सामने निकल कर आती है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती रांची और पटना एक नई रेलवे लाइन को लेकर। रांची से पटना के बीच में एक नई रेलवे लाइन बनाई जा रही है, जिसका जो काम है वो 90% तक कंप्लीट कर लिया गया है, तो बहुत कम काम बचा है। और ये जो लाइन है वो रांची से निकल जाएगी मुरी और बरकाकाना, हजारीबाग और कोडरमा होते हुए और आपको पहुंचा देगी पटना की तरफ, जिसके चलते आपके लगभग आधा घंटे से मतलब 2 घंटे तक भी बच सकते हैं। कुछ ट्रेनें बहुत ज़्यादा टाइम लगाती हैं, तो लगभग 2 घंटे तक की जो बचत है वो बताई गई है। देखते हैं कब तक आपको ये जो लाइन है वो ऑपरेशनल देखने को मिलेगी। दोस्तों नेक्स्ट
अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती है एक और नई रेलवे लाइन जो कि बनाई जा रही है राजगीर और कोडरमा के बीच में। तो ये जो रेलवे लाइन है 64 किलोमीटर लंबी रहने वाली है और इसका जो काम है इसका भी बहुत सारा काम कंप्लीट हो चुका है, बट जो बीच में पहाड़ी है, पहाड़ी पर जो ब्रिजेस बनने हैं और टनल बनने हैं वही रह गए हैं और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। तो फिलहाल इसके लिए भी जो काम है वो किया जा रहा है, बताया जाता है आने वाले 2 सालों में इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो अगर ये हो जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी। यहाँ पर टोटल मिला के 5 या 6 टनल बननी है जिनकी जो लंबाई है वो 1.5 किलोमीटर रहने वाली है, सभी की मिलाकर मैंने आपको बताई है, और 5 से ज़्यादा जो ब्रिज है वो बनने हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। तो देखते हैं कब तक ये जो बन करें वो तैयार हो पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती है साउथ वेस्टर्न रेलवे से लेकर। साउथ वेस्टर्न रेलवे का एक ब्रिज जो कि काबनी रेल रोड ब्रिज है उसको प्रिजर्व करने की जो बात है वो चल रही है। फिलहाल ये जो रेल रोड ब्रिज है बहुत साल पुराना है, लगभग 285 साल पुराना है। यहाँ पर मीटर गेज की लाइन भी है और बराबर से ही रोड भी है, मतलब एक तरफ ट्रेन चलती है एक तरफ रोड पर बस वगैरह जो भी चलती हैं। हालांकि जो रेलवे लाइन है वो मीटर गेज की है, तो फिलहाल इसको मतलब प्लान किया जा रहा है कि उन्हें प्रिजर्व किया जाए, बाद में जितने भी लोग हैं आकर इसको विजिट कर पाए, तो ऐसा कुछ प्लानिंग चल रही है। देखते हैं क्या होता है, अभी इसके ऊपर कोई भी जो क्लेरिफिकेशन है वो तो नहीं आया, बट बहुत ज़्यादा चांस है ऐसा हो जाए क्योंकि बराबर से अब तो नया ब्रॉडगेज का जो रेल ब्रिज है वो बना लिया गया है, तो इसकी तो कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है। फिलहाल देखते हैं इसके साथ क्या होने वाला है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, वेस्टर्न रेलवे से लेकर। वेस्टर्न रेलवे की आपको कुछ और ट्रेन देखने को मिल सकती हैं। फिलहाल ये जो मैं लिस्ट दिखा रहा हूँ इसमें 0-29-75 और 0-29-76 ट्रेन ऑलरेडी चल रही है, बाकी बची हुई ट्रेन भी आपको हो सकता है 15 अक्टूबर तक चलते हुए दिख जाए, बट अभी इनको फिलहाल तो अभी जब तक मैं आपको वीडियो बनाकर बता रहा हूँ कोई मंजूरी नहीं दी गई है, अगर मिलती है इन फ्यूचर तो मैं आपको बता ही दूंगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे से लेकर। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे ने भी कुछ ट्रेनों का जो प्रपोजल है वो दिया गया है और मैंने आपको ये स्क्रीन पर दिखाई दिया है, तो आप देख ही सकते हैं। तो फिलहाल इनमें से कोई और मतलब इनमें से कुछ ट्रेनें आपको चलते हुए दिख सकती हैं। अगर ये चलती हैं तो ये सारी की सारी ट्रेनें आपको 15 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक देखने को मिल जाएंगी। फिलहाल ये सारी की सारी हॉलीडे स्पेशल के रूप में चलाने की प्लानिंग चल रही है, देखते हैं ये जो ट्रेनें आपको देखने को मिलती हैं या नहीं मिलती। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती है 0-29-25 और 0-29-26 जो कि पश्चिम सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है। ये जो ट्रेन है इसका जो रूट है वो बुधवार से बदल जाएगा। ये जो ट्रेन है वो अमृतसर से लुधियाना होते हुए पहुंच जाएगी चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से पहुंच जाएगी अंबाला, तो इसका जो रूट है वो चेंज होने वाला है, जिसके चलते जो राजपुरा वाला सेक्शन है, राजपुरा खन्ना के जो स्टॉप है वो इसके खत्म कर दिए जाएंगे। तो ये जो काम है वो किया गया है क्योंकि अंबाला पर इसमें एक रैक जुड़ता था जो कालका से आता था, जिसके चलते टाइम ज़्यादा लगता था, तो ये प्लानिंग की गई है। हालांकि अब कालका से लोगों को पहले चंडीगढ़ आना पड़ेगा तब वो इस ट्रेन को पकड़ पाएंगे, पहले उन लोगों को इस ट्रेन के जो डायरेक्ट कनेक्टिविटी कालका से ही मिल रही थी। तो फिलहाल ये अपडेट निकल कर आती है, बाकी एलिजिबिलिफिकेशन की इसकी अभी तो कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं आई है, बट हाँ इसको जल्द ही एलिजिबिल कोच मिलने वाले हैं। अब कब मिलेंगे इसकी एग्जैक्ट डेट मुझे लगता है आने वाले हमें 1 हफ्ते में पता चल ही जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती हबीबगंज रेलवे स्टेशन से लेकर। हबीबगंज की मैंने आपको पता नहीं कितनी बार डेडलाइन बता दी है, तो फिलहाल फिर से एक और नई डेडलाइन आ गई है और अब की बार जो डेडलाइन है लास्ट टाइम जनवरी बताई थी, बट इस बार ये हो चुकी है 31 मार्च 2021। तो आपको 31 मार्च 2021 तक ये जो पूरा स्टेशन है वो कंप्लीट होता हुआ दिख जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती राजघाट और बबराला रेल सेक्शन से लेकर। इस सेक्शन पर गंगा रिवर का ब्रिज है जो कि काफ़ी ज़्यादा पुराना भी है और बड़ा भी है, तो यहाँ पर जो पिलर हैं उनकी जो मतलब देख रेख है वो की जा रही है, तो उसी के चलते जो इंस्पेक्शन है वो किए गए हैं। अंदर पानी के जाकर मतलब पानी के अंदर डुबकी लगाकर देखा गया जो पिलर की स्थिति है वो क्या है, सब कुछ ठीक है या नहीं है, तो इस तरीके जो इंस्पेक्शन है वो लिए गए हैं। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी बात है, जो मेंटेनेंस है आप जानते हैं हर जगह का करना होता है, तो ये भी एक उसी का ही पार्ट है। दोस्तों आज की जो फाइनल अपडेट है उसके बारे में बात कर लेते हैं, आती है RCF कपूरथला से लेकर। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला ने इस बार भी काफ़ी अच्छा काम किया है और उसने 152 यानी कि सितंबर 2020 में 152 LHB कोचों को बनाया है। पिछली बार यानी कि जो पिछला महीना था अगस्त 2021 उसमें 151 LHB कोच बनाए थे और इस बार 152 LHB कोच बनाए हैं, तो इंक्रीजमेंट हुआ है भले ही एक कोच का हुआ है। देखते हैं इस जो ये मंथ आया अक्टूबर का इसमें कितने कोच वो बना पाते हैं। तो फिलहाल दोस्तों आज की जो वीडियो है उसमें इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑल of you।